नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कि मौरानीपुर रेलवे स्टेशन पर भारतीय किसान यूनियन ने ट्रेन के समय सरकार विरोधी नारेबाजी करते रहे, केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी काले कानून को वापस लेने की भी मांग करते रहे। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन लिखा गया, तहसीलदार को सौंप कर ज्ञापन में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसान विरोधी कानून को वापस लेने की बात कही है, जिससे किसान स्वतंत्र रहकर खेती कर सके और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाया जाए, जिससे किसान वर्ष भर अपनी फसल को उचित मूल्य पर बेच सके तथा कोई भी व्यापारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर फसल नहीं खरीदे। न्यूनतम मूल्य से कम पर फसल खरीदने पर व्यापारी को 24 घंटे के अंदर लाइसेंस निरस्त कर अपराधी की श्रेणी में रखा जाए। साथ ही डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमत को कम किया जाए, जिससे किसानों पर किसी लागत का बोझ न बढ़ सके। उक्त दौरान किसान नेता अखिलेश लिटोरिया, राजाराम राजपूत, पुष्पा अनीता सिंह राजकुमारी, सुशीला देवी, गीता मीना देवी, विमला सहित 3 दर्जन किसान नेता मौजूद रहे। आज जो आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया, किन मुद्दों को लेकर दिया गया? आज हमने जो ज्ञापन दिया, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया, उसमें जो है पहला कानून की जो है तीनों कानून किसान विरोधी हैं, जो उनको वापस किया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर कानून बनाया जाए और MSP के नीचे खरीद करने वालों पर 24 घंटे के अंदर सख्त कार्रवाई की जाए और उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएं। आज हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पर ज्ञापन इसलिए दिया कि अब यदि सरकार समय से नहीं चेतती है तो अब वो दूर नहीं कि किसान पटरी पर आकर के अपना आशियाना बनाएंगे और तीनों कृषि कानून जो काले बनाए गए हैं उनको वापस कराएंगे। हाँ, ज्ञापन यहाँ पे दिया गया है क्योंकि जो है और सब मामला शांति से निपट गया है और 4 बिंदुओं पे ज्ञापन उन्होंने दिया है और मुख्य उनकी जो है किसान बिल जो है तीनों बिल के वापस लेने की मांग पे अभी उनकी यही डिमांड थी और उस पर वार्ता करके उसको जो है वापस उनको भेज दिया गया है। अभी सर उन्हें क्या आश्वासन दिया गया आपकी तरफ से इस पर? आगे जो है उच्च स्तर पे हम अवगत कराएंगे उनकी समस्याओं से और फिर उनके प्रतिनिधियों से वार्ता की जाएगी और वार्ता द्वारा हल इसको निकालने का प्रयास किया जाएगा।